कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वो आम आदमी से जुड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वो अपने साथियों के साथ कहीं भी रुक जाते हैं और इसी कड़ी में वो जलालगढ़ से होते हुए जब पूर्णिया आ रहे थे तो खान स्वीट्स में अपने काफिले के साथ रुक गए और वहीं पर आम लोगों के साथ बैठकर चाय नाश्ता करने लगे। इस दौरान उन्होंने दुकान के मालिक के साथ बातचीत की और जो लोग दुकान में बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे उनका हालचाल भी जाना। इसके कुछ देर बाद राहुल गांधी ने अपने चाय नाश्ते का बिल चुकाया और चल दिए, लेकिन राहुल गांधी के दुकान में आने से दुकानदार नौशाद गदगद है। राहुल गांधी ने अपने और अपने साथियों के नाश्ते का करीब 1000 रुपए का बिल चुकाया और फिर वहां से चल दिए। उनके साथ जयराम रमेश, कन्हैया कुमार और उनके अन्य कई कार्यकर्ता भी साथ थे। वहीं राहुल गांधी के इस तरह एक आम दुकान में रुकने से न सिर्फ दुकानदार बल्कि स्थानीय लोग भी खुश नजर आए। लोकल 18 के लिए पूर्णिमा से विक्रम कुमार झा की रिपोर्ट। कभी आपने सोचा था कि कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ बैठे नमकीन खाए, हमारा बना हुआ पेड़ा खाए, चाय पिए। हाँ। दुकान कैसा चल रहा है? अच्छा। अच्छा, बगल में हमारे कन्हैया कुमार थे। हाँ। पे थे जयराम रमेश जी, इस तरह से थे। अच्छा। और वो भागलपुर के जो नेताजी है। हाँ। शर्मा जी कौन है वो, जिनकी बेटी जो है हीरोइन। अच्छा, वो भी बैठे हुए थे। मतलब सभी नेता लोग यहीं बैठे थे। आपसे क्या क्या बातचीत हुई थी? दुकान के बारे में। हाँ। ऐसा चलता है आपने बताया सब, और कुछ भी पूछे वो? नहीं, और कुछ नहीं। और बच्ची थी, दो बच्ची थी। हाँ। एक हमारी बेटी थी, उससे पूछे पढ़ाई लिखाई के बारे में। अच्छा, बैठे तो बहुत देर, 35 मिनट के आस पास। हाँ। इसके आने का खबर आपको पहले मिला था? नहीं, अचानक गाड़ी लगी और इधर से अंदर चले आए। अचानक गाड़ी लगी, आपके ही दुकान पे आ गए वो? हाँ, 2 मिनट पहले गार्ड लोग पूछा चाय मिल जाएगी, हम कितना चाय तो नहीं दे पाएंगे लेकिन चाय तो है। हाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं, जितना दे पाइए। अच्छा, तो फिर चाय पिए बैठे। कौन कौन आए सबसे पहले चाय पीने? सबसे पहले तो राहुल जी अंदर बैठे, उनके जस्ट बगल में कन्हैया कुमार बैठे। अच्छा, ठीक है। जयराम रमेश जी यहाँ पे थे। हाँ हाँ, फिर आपने चाय दिया? हाँ। लिट्टी आप ही बना के खिलाए होंगे? नहीं, लिट्टी नहीं खाते, नमकीन पेड़ा। नमकीन पेड़ा, नमकीन पेड़ा। अच्छा, बाद में क्या पैसे वैसे दिए क्या? कुछ हिसाब हुआ था, पैसा कुछ लिए, जो बनता था, जो आपका बनता था। हाँ। वो आपने लिया? हाँ। आगे क्या कुछ आश्वासन दिए फिर मिलेंगे ऐसा कुछ कभी? क्या आश्वासन देंगे? अच्छा, आप कभी सोचे थे ऐसा अचानक आ जाएंगे राहुल गांधी आपके दुकान पर? सोचेगा कि ऐसा नेता आ गया। क्या नाम हुआ आपका? किस जगह दुकान है आपकी? कौन सी दुकान है, क्या नाम है? पीछे मस्जिद है। अच्छा, आगे दुकान है। कितना पुराना दुकान होगा ये? दुकान आपको लगभग 20 साल। 20-22 साल? 22 साल। 22 साल। क्या कुछ मिलता है दुकान में?